अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे पास सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर मौजूद है। ये यूनिट हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है और हमने इसकी सारी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली चेक कर लिया है। अभी हम आपको इसके दो एरर्स के बारे में बताएंगे जो नॉर्मली इसमें हमारे पास आते हैं। साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर की जो ये डिस्प्ले बोर्ड है जो हमारे पास सामने मौजूद है, इसको देख के आप किसी भी किस्म के इसके एरर का पता लगा सकते हैं। अभी ये फ्रिज ऑफ है और हमको टर्न ऑन करके चेक करते हैं कि इसमें कौन सा एरर डिस्प्ले पे आ रहा है। ये ऑन कर दिया हमने, डिस्प्ले भी ऑन है इसका। अब इस डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा और अब एक छोटी सी लाइट ब्लिंक हो रही है जिसको आप देख सकते हैं। ये ग्रीन लाइट जो है और जो ये बॉटम पे ब्लिंक हो रही है इस जगह, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो फ़ैन है, फ्रीज़र फ़ैन, वो ख़राब हो गया है या फिर उसका कनेक्शन ख़राब हो गया है और जिस वजह से इसमें ये एरर आ रहा है और अंदर इसका फ्रीज़र फ़ैन चल नहीं रहा। अब हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। अब देख सकते हैं ये फ्रिज ऑन है और इसके अंदर जो ये कवर है हम इसको हटाएंगे और आपको दिखाएंगे कि फ्रीज़र फैन कहाँ मौजूद है इसका। कवर में से हम स्क्रू पहले निकाल चुके थे। ये देखें कि ये जो फ्रीज़र फ़ैन है इसकी लीड हमने निकाली हुई थी। जब हमारे पास ये फ्रिज आया था तो इसका फ्रीज़र फ़ैन ख़राब था, हमने उसको रिप्लेस किया। अब ये नया फ़ैन इसमें लगा हुआ है, हमने इसकी लीड इसी निकाली ताकि हम आपको दिखा सकें कि इस फ्रिज में अगर फ्रीज़र फ़ैन नहीं चलेगा या वो ख़राब होगा तो उसमें क्या एरर हमारे पास डिस्प्ले पर शो होगा। हमने अभी आपके सामने दोबारा वो लीड लगा दी है और अब इसको प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। हमने इसकी लीड को रिकनेक्ट तो कर दिया है लेकिन ऑब्वियसली जब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसका डोर बंद नहीं करेंगे, क्योंकि साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर में सेंसर इसके इस साइड पे मौजूद यहाँ नहीं होते हैं। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनके अंदर यहाँ डोर स्विच लगे होते हैं लेकिन इसमें नहीं है। साइड बाय साइड का सेंसर जो होता है वो इसके टॉप पर मौजूद होता है, मैं आपको दिखा सकूँ इस पॉइंट पर। ठीक है, हम यहाँ मैग्नेट रख लेते हैं, इस टेक्निक से ये फ्रिज दोबारा चल जाएगा। ठीक है, इसकी जो इनसाइड की लाइट है वो भी बंद हो गई है और फैन इसका दोबारा चलना स्टार्ट हो गया है। हम इसको हटाते हैं वापस और आपको इसके डिस्प्ले पे दिखाते हैं दोबारा कि अब कोई एरर इसमें नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इसमें कोई भी एरर सामने डिस्प्ले पे नहीं आ रहा, तो हमने इसका एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है।